हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा और आजकल चल रही है नवरात्रि, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रहा है वीडियो बनाने का। और ये वीडियो है 2-3 दिन का, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं गई किचन में, मैंने बनाया थोड़ा सा हलवा इन लोगों के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिन का खाना। आज मैंने बनाई है मूली की सब्ज़ी और उसके साथ में मैंने बनाई है थोड़ी सी इन लोगों के लिए कढ़ी, क्योंकि मूली की सब्ज़ी के साथ इनको कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध जमा दिया है शाम के लिए और ये दिन का खाना बनकर रेडी हो गया है। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा एक कमरे की सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लग गई हूँ सफाई करने में। नवरात्रि में पूजा वूजा भी करनी होती है, साफ़ सफाई का काम भी होता है, कभी मंदिरों में भी जाना हो जाता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 दिन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो टाइलें गंदी हुई हैं उनको भी साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे तो हम रोज़ ही सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा तो करते हैं, लेकिन दीपावली में जो हम सफाई करते हैं तो वो थोड़ा और अच्छी तरीके से करनी होती है, सारा सामान वामान उठा के, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसके बाद यह है दूसरे दिन का वीडियो। यहाँ पर मैं बैठी हूँ बहन के घर में, तो सुबह मैं पहले चले गई थी अपने घर मंदिर पर, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे थोड़ा मैंने चाय वाय पिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो भी बना लिया है, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं हुआ था वीडियो बनाने का। तो इसमें मैंने 2 दिन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताएँ। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना साथ और सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। यहाँ पर मैं टाइम देख रही हूँ फिर, तो इस समय 11:30 हुए हैं, मतलब 12:20 हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे धान की फसल पक गई है, आधी पकी है आधी कच्ची है। और इस बार बहुत सारे धान ख़राब हुए हैं, क्योंकि बीच में जो बारिश आई थी उसके वजह से पानी हो गया था और धान गिर गए थे, इस वजह से बहुत कहीं कहीं पे नुकसान भी हुआ है। तो ये बहन के घर के वहाँ पर का ही वीडियो बना रही हूँ मैं। ये हमारा गाँव का है, चक्करपुर गाँव, खटीमा के अंदर में ही पड़ता है ये भी। और यहाँ पे ये हैं बहन के जानवर अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे चारों तरफ से वीडियो ले लिया था, फिर कहीं से फोन आ गया था, फिर हम उधर चले गए थे। यहाँ पे ये रखा हुआ है सामान मेरी बहन का है ये, क्योंकि इनका कार्ड वार्ड छापने का काम होता है शादी वादी में, तो यहाँ पे रखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे मंदिर में जो काम था वो करके यहाँ पे चाय पी लिया आके। अब देखती हूँ थोड़ी देर में मैं जाऊँगी घर या क्या करती हूँ। ये जा रही है मेरी बहन, देखो गोबर लेके जा रही है, और मैं इसके पीछे से वीडियो बना रही हूँ। अभी कहीं से नहीं होता आ रखा है पानी कहीं का, ये देखो। और मेरे को तो मौका मिलता नहीं है, जा रही हूँ। ये पूरा हमारा यहाँ पे खेत है, उसमें डंडे में नहीं लगाए थे मैंने, यहाँ से खेत है पूरा, ये देखो वहाँ पे सफाई हो रही है हमारे वहाँ मंदिर की, पूरा ये वाला खेत, इधर वाला खेत, ये खेत इसका है मेरी बहन का यहाँ पे, ये देखो पूरा खेत यहाँ से। और ये हमारा मंदिर की सफाई हो रही है यहाँ पर, अभी हर्षू है यहाँ पर। टोकरी कोई नहीं जाएगा, अच्छा लगता ना गांव का सीन पूरा है। अति सुंदर आप से मेरी बनाई है बोली हैं, नको ठजे, नको ठजे, अभी जाग में रख रहे थे।